हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल निश्चल एडब्ल्यू डीपीओ ड्राइवर और कांस्टेबल की जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है उसके इंतजार में है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि सर हमारी एज है वो कब से काउंट होगी या क्या हम इस भर्ती में एलिजिबल होंगे या नहीं हो पाएंगे। जो दिल्ली पुलिस की न्यू भर्ती आने वाली है कांस्टेबल की, उसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और कब से एज है वो काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपके लिए बड़ी खबर मैं लेके आया हूँ कि आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, ये आपको यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए किसी भी लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए। और दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर हर भर्ती की लेटेस्ट न्यूज हम डालते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर की मैगजीन, यानी बहुत सारा स्टडी कंटेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलता रहता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यह है काफी बच्चों का, सर वैकेंसी कब आने वाली है। आपको बहुत सारे चैनल वालों ने ऑर्डर दिखाया होगा, लेकिन ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि वैकेंसी आ जाएगी। वो दिल्ली पुलिस और एसएससी का इंटरनल कनेक्शन है कि भाई वो ऑर्डर पास कर रहे हैं, यानी अथॉरिटी है वो सौंप रहे हैं एसएससी को कि आप ये वैकेंसियां, आपको नोटिफिकेशन इनका निकालना है और आपको ये रिक्रूटमेंट आपको करवाना है, ये इवेंट दिल्ली पुलिस खुद करवाएगी। जैसे रिटर्न एग्जाम है और फाइनल लिस्ट है वो एसएससी निकालेगी, जबकि फिजिकल और मेडिकल दिल्ली पुलिस करवाएगी। तो इस प्रकार की चीजें होती है। इनका मतलब ये नहीं कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी, बात आ रही समझ में, इस चीज को आप गौर कीजिए। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये वैकेंसियां कब आने वाली है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एडब्ल्यू डीपीओ, ये तीनों ही वैकेंसियां कंबाइन आएंगी। जैसे अभी एसएससी ने दिल्ली पुलिस की एक भर्ती निकाली है फेज 9 के अकॉर्डिंग, फेज 9 का एक वैकेंसी निकली है एसएससी में, तो उसी में दिल्ली पुलिस की बहुत सारी वैकेंसियां इंक्लूड है जो बहुत सारी पोस्टों पर अलग अलग रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो सेम वैसा ही काम होने वाला है तीनों भर्तियों के लिए, यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एडब्ल्यू टीपीओ की वैकेंसियां कंबाइन आएंगी, ड्राइवर की हो सकता है इनके साथ हो जाए या ड्राइवर की वैकेंसी अलग निकल सकती है। ठीक है, और कांस्टेबल जीडी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो अलग निकल के आएगी। दोस्तों, बात आ रही समझ में। तो यहां पे बात करें कि ये हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एडब्ल्यू टीपीओ की जो वैकेंसी है, मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको वो पसंद है जो आपके अकॉर्डिंग बात करे, सच्चाई आपको हजम नहीं होती, हकीकत चीज है दोस्तों। और हम आपको बहुत बार मैंने बताया है कि अक्टूबर में वैकेंसी आपकी आएंगी, अक्टूबर में अभी फेज 9 की वैकेंसी आ चुकी है एसएससी की। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद नंबर आपका हेड कांस्टेबल निश्चल का ही है दोस्तों। तो अक्टूबर के लास्ट वीक में आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। बात करें ड्राइवर की, तो ड्राइवर की वैकेंसी भी अक्टूबर में ही आएगी दोस्तों। अब ये इनके साथ आएगी, कंबाइन आएगी या थोड़ा सा अलग आएगी, तो ये नवंबर तक जा सकती है। ठीक है, ड्राइवर की जो वैकेंसी हो सकता है अक्टूबर में आ जाएगी, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि ये वैकेंसियां कंबाइन आएंगी तो ये वैकेंसी अलग आएगी, तो थोड़ा सा एक सप्ताह दो सप्ताह का डिले इसमें होगा। बात आ रही समझ में। तो ये वैकेंसी भी अक्टूबर या नवंबर के, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकती है। और कांस्टेबल की न्यू रिक्रूटमेंट, जब मैंने आपको सबसे पहले मैंने ही वीडियो बनाई थी कि दिल्ली पुलिस की नई भर्ती आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और उसमें मैंने क्लियरली आपको ये मेंशन कर दिया था, आप जाके देख लीजिए, लगभग 3 लाख व्यू वो वीडियो क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज हम देते हैं, बार बार वीडियो नहीं बनाते। और इसमें एक बार मैंने आपको बताया था कि नवंबर से पहले ये भर्ती नहीं आएगी, नवंबर में ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रहिए इन वैकेंसियों के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगने का मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है कि एज कब से काउंट होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पे 18 से 25 साल यहां पे आपकी उम्र चाहिए दोस्तों, यहां पे 18 से 30 साल होनी चाहिए और यहां पे 18 से 25 साल, 25 से 27 मेरे ख्याल से। ठीक है, एज इसमें हेड कांस्टेबल में कंफर्म कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है 25 है 27 है, कांस्टेबल कंफर्म है। जनरल कैटेगरी 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यहां पे 18 से 30 साल होनी चाहिए, यहां पे कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब ये जो एज काउंट होगी ना तीनों ही वैकेंसी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस की पिछली कांस्टेबल वैकेंसी में किसी ना किसी कारण से बाहर हो गए कंपटीशन से, कोई रिटर्न में हो गया, कोई फिजिकल में हो गया, बात आई समझ में, किसी के नंबर कम है, फिजिकल भी हो गया लेकिन उम्मीद कम है कि अगला सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा,
तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी ये वीडियो है कि आपकी जो एज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इन तीनों ही वैकेंसियों में जो एज काउंट होगी वो होगी 01/01/2021। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से आपकी एज यहां पे काउंट की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2021 को आप इस एज लिमिट में आ रहे हैं तो आप इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं, जो अपने आप में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निराश हो चुके थे कि सर हमारी एज निकल चुकी है तो क्या हम ये आने वाले फॉर्म भर पाएंगे। बिल्कुल भर पाएंगे अगर आप 1/1/2021 को इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो अदर कैटेगरी है उनका तो एज छूट मिलेगा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो 1/1/2021 से आपकी एज काउंट होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप एलिजिबल हैं और आपका सपना है किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया तो वैकेंसियां फिर से आपका इंतजार कर रही हैं। अपनी तैयारी में लगे रहिए, कंटिन्यू बढ़ाए रखिए, ईश्वर का नाम लेके अपने जोश और जुनून को बनाए रखते हुए तैयारी में लगे रहे दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल तो आप अपनी सरकारी नौकरी का सपना डेफिनेटली पूरा करेंगे ही करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज के साथ। ठीक है, धन्यवाद।